बिलासपुर के स्वारघाट के साथ लगती ग्राम पंचायत तनवोल के गांव नाल विनोद कुमार के हाथ नहीं होने के बावजूद भी कठिनाइयों को बोझ न समझते हुए युवक अपने सारे काम कर रहा है और परिवार का पालन पोषण भी कर रहा है। बिना हाथ के ये युवक हर काम करने में माहिर है, चाहे गाड़ी चलाना हो या कोई अन्य काम हो, ये युवक बड़ी ईमानदारी से करता है। आपको बता दें कि वर्ष 1992 में विनोद कुमार का जन्म हुआ था और जन्म से ही उनके दोनों हाथ नहीं हैं। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी विनोद कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और तनबोल स्कूल से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद ए ग्रेड में BCA की पढ़ाई भी पूरी की, जिसमें वार्षिक परीक्षाओं में बिना हाथों के विनोद ने सामान्य विद्यार्थियों की तरह पेपर दिए थे। पढ़ाई के साथ साथ विनोद कुमार खेलों में भी काफी रुचि रखता है और अपने पसंदीदा खेल वॉलीबॉल में जिला स्तर तक वॉलीबॉल खेलकर स्कूल का नाम भी रोशन किया है। दिव्यांग होने के कारण विनोद कुमार के इस हौसले की सभी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि घर के तथा बाजार से सामान लाने वाले कार्य खुद कर रहा है। यही नहीं, इसके साथ साथ वो गाड़ी चलाने में भी माहिर है और आसानी से गाड़ी चला लेता है। विनोद कुमार ने बताया कि दिव्यांग होने के कारण सरकार की ओर से उन्हें दिव्यांग पेंशन भी लगाई गई है, लेकिन उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। उन्होंने सरकार से कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाई है, जिससे वे सरकार से काफी निराश हुए हैं। वहीं पर उन्होंने दोबारा से सरकार से आग्रह किया है कि दिव्यांग होने के चलते उन्हें कोई नौकरी दी जाए, ताकि वे अपने परिवार का खुद का पालन पोषण आसानी से कर सकें। BCA का कोर्स पूरा किया और उसके बाद फिलहाल अभी घर में ही है अपने पेपर। नहीं, जैसे मतलब जो भी मैंने एग्ज़ाम दिए उनमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता था, ना कोई उसमें एक्सटेंशन थी कुछ भी, जैसे नॉर्मल मतलब पेपर होते हैं वैसे ही नॉर्मल मैंने पेपर दिए। शुरू में मेरे को मतलब थोड़ा ऑड फील होता था कि मेरे हाथ नहीं है, ऐसा है मतलब। फिर उसके बाद मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, अब मेरे को मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मतलब बढ़िया से एडजस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मतलब खेल कोई भी वैसे छोड़ा नहीं है खेलने से, लेकिन मेन दो ही थे जिसमें क्रिकेट और वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में मैंने मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वॉलीबॉल खेला है स्कूल लेवल में। व्हीकल में मैंने मतलब छोटी गाड़ी से लेके बड़ी से बड़ी गाड़ी तक चला दी, सब गाड़ियां चला लेता हूँ। टू व्हीलर कभी चला के देखा नहीं, वैसे अगर ट्राई करेंगे दोबारा। सबसे पहले तो मैं सरकार से यही बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे को मतलब इन्होंने एक साल पहले पेंशन लगा दी। अब थोड़ा सा मेरे को सरकार से ये दरख्वास्त भी है और थोड़ा मलाल भी है कि मेरे इतनी पढ़ाई होने के बावजूद भी मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। बस यही है कि कल को नौकरी मिल जाए, थोड़ा अपना जीवन सफल हो जाता है।